आइए सभी लोग मिलकर गुरु जी के चरणों में नमन करते हैं, गुरु जी को कोट कोट प्रणाम करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप लोग देख रहे हैं गुरु जी हेलीकॉप्टर से दर्शन देने और ब्लेसिंग देने आ चुके हैं। आइए सभी संगत के लोग गुरु जी का दर्शन करते हैं, गुरु जी से आशीर्वाद लेते हैं। आप लोग देख रहे हैं गुरु जी हेलीकॉप्टर से पंजाब के डुगरी गांव में आ चुके हैं और अभी हेलीकॉप्टर से गुरु जी नीचे उतरेंगे और सबको अपना आशीर्वाद देंगे। गुरु जी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो गुरु जी दिव्य ज्योत थे, जिनका जन्म 7 जुलाई 1954 को पंजाब की मलेरकोटला तहसील के डुगरी गांव में हुआ था। पंजाब सदा से सिख गुरुओं का पुण्य स्थल रहा है। जैसे यीशु मसीह के जन्म पर 3 ज्ञानी पुरुष पहुंच गए थे, गुरु जी के जन्म पर भी सर्प दिखे थे। एक प्रमुख किंतु अद्भुत संयोग जो उनकी वास्तविकता से अवगत कराता है, वह शिव थे और हैं, जिनका चित्रण उनके नीलकंठ और हाथ में लिपटे हुए सांपों से दृष्टिगोचर होता है। यह भी सत्य है कि कुछ अनुयायियों ने उनका यह रूप देखा भी है। अब आप देख रहे हैं गुरु जी हेलीकॉप्टर से नीचे उतर रहे हैं और गुरु जी हेलीकॉप्टर से बाहर आ चुके हैं। संगत के सभी लोग पूरा वीडियो देखें। गुरु जी अब अपने आश्रम यहां से जाएंगे और आप देख रहे हैं गुरु जी के स्वागत के लिए, गुरु जी के वेलकम के लिए और गुरु जी का आशीर्वाद पाने के लिए अनंत यहां पे जनसंख्या आ चुकी है। बहुत उमड़ी भीड़ है यहां पर। गुरु जी का किसको ब्लेसिंग मिल जाए, किसको आशीर्वाद मिल जाए, यह संगत का कोई नहीं जानता। परंतु गुरु जी अपने संगत के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं और हमेशा ख्याल रखते हैं। आप देख रहे हैं कैसे गुरु जी के सामने सब लोग नतमस्तक होकर गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और गुरु जी अभी आगे अपने आश्रम के लिए रवाना होंगे। गुरु जी के लिए पंजाब की सरकार शासन प्रशासन चुस्त है, चारों तरफ सुरक्षा लगाई गई है, पुलिस तैनात है, सिक्योरिटी तैनात है और गुरु जी अपने संगत के लोगों के साथ आश्रम के लिए प्रस्थान करेंगे। और हम गुरु जी के बारे में अगर आप बात करें तो गुरु जी त्रिलोकीनाथ हैं। उस समय भी या 10 को उपरांत जब उनके भक्तों की संख्या बहुत बढ़ गई, समझ में नहीं आई, किंतु देवत छिपा भी नहीं रह सकता था क्योंकि कष्ट निवारण तो उनकी प्रवृत्ति है। उनके बचपन से एक दृष्टांत के अनुसार उनके एक सहपाठी का पेन परीक्षा से पूर्व टूट गया था। गुरुजी ने उस टूटे हुए पेन से अपनी पूरी परीक्षा दी और जिसका पेन टूटा था उसको अपनी पेन दे दिए थे जिससे उसका भी परीक्षा हो सके। और आप देख रहे हैं ये पंजाब सरकार की गाड़ियां लगी हुई हैं गुरुजी के सेवा के लिए और गुरुजी अब थोड़ी ही देर में प्रस्थान करेंगे आश्रम के लिए। गुरुजी का दर्शन सबको मिल रहा है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं हाथ जोड़कर गुरु जी का शुक्राना करें, गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सौभाग्यशाली हैं जो गुरु जी का दर्शन पा रहे हैं, गुरु जी को आप देख पा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आगे आप देख रहे हैं कि पंजाब सरकार की सारी व्यवस्थाएं गुरु जी के स्वागत में लगी हुई हैं। पुलिस प्रशासन अधिकारी सब चौकन्ने हैं और आप ये
गाड़ियों का काफिला देख रहे हैं जो गुरुजी के स्वागत के लिए आई थी। पंजाब सरकार डुगरी गांव से गुरुजी निकल चुके हैं अपने डुगरी आश्रम पे। तो धन्य है ऐसे महान पुरुष जो हमारे शिव जी के रूप में आए। ऐसे महान पुरुष को कोट कोट नमन करते हैं जो शिव जी हैं और हमें इस युग में दर्शन देकर हमें कृतार्थ कर रहे हैं। हम गुरु जी को कोट कोट नमन करते हैं। ऐसे ही गुरु जी का आशीर्वाद अपने संगत के सभी लोगों पर बना रहे। गुरु जी के बारे में और आपको आश्चर्य की चीजें बताते हैं, आपको सुनकर आश्चर्य होगा। गुरु जी में बचपन से ही एक अलग प्रकार की शक्ति थी। वह एक चिंगारी थे जिसे दीप बनने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगा। गुरु जी ने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में डुगरी में ही प्राप्त की। गुरु जी की महानता उस वक्त से दिखने लगी जब माता पिता के लाख चाहने के बाद भी उन्होंने अपने अध्ययन कार्य को बिना किसी बाधा के पूरा किया और तब स्वयं उनके माता पिता को इस बात का एहसास हुआ कि कोई साधारण बालक नहीं है। वे खुद उनके चरण स्पर्श करने लगे और उन्हें गुरु जी कहकर पुकारने लगे। तो आप समझ रहे हैं कि गुरु जी जन्म से ही दिव्य ज्योत की तरह थे और गुरु जी अपने आश्रम पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे आश्रम में इंतजार कर रहे सभी संगत के लोगों को अपना आशीर्वाद देंगे। गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी का चमत्कार अनंत है जिसे व्याख्यान करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि गुरु जी एक ऐसे महान पुरुष हैं, ऐसे हमारे शिव हैं कि अपने भक्तों का हमेशा भला करते हैं।